हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है, जिसमें अगर आपकी वीडियो अगर आपसे मिस हो चुकी है तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इससे पहले के चैप्टर्स भी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर हम एक नॉर्मल कंडक्टर की बात करते हैं, एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मतलब कि एक मेटल, राइट। तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे मूव कर रहे होते हैं? वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ठीक है। इस तरीके से रेंडमली कोई मूव कर रहे होते हैं, राइट। अब जब ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि इनकी जो नेट आउटकम आती है ना, वो आपके पास ज़ीरो आती है। नेट आउटकम, आउटकम आप इसकी ये भी मान सकते हो कि एक खाली मेटल पड़ी हुई है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो करंट आता है, एक मेटल में करंट कंडक्ट होता है। अब वो करंट जो होता है नॉर्मली मेटल पड़ी हुई उसमें तो नहीं होता, फ्री तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भी हैं, तो करंट भी ज़ीरो होता है। करंट ज़ीरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं, उनकी नेट जो वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो है। करंट ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, करंट नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो हम ये बोल सकते हैं उसकी कि नेट उसकी जो आउटकम आती है, नेट आउटकम हमें जो मिलती है वो ज़ीरो मिलती है, ठीक है। नेट आउटकम आप यहाँ पे वेलोसिटी भी लगा सकते हो, करंट लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हो। कैसे? कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मोशन को मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाता है, इधर से टकराता है, इधर से टकराने के बाद वो इधर आ जाता है, फिर इधर से एक और के साथ टकराता है, यहाँ से टकराने के बाद इधर चला जाता है, फिर यहाँ से टकराने के बाद इधर, फिर यहाँ से टकराने के बाद इधर। तो इस तरीके से ये तो एक इलेक्ट्रॉन की हमने पाथ देखा। अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं पाथ देखती हूँ, तो मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ रहे हैं, सिमिलरली 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो +10 -10, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? ज़ीरो। तो खाली अगर एक कंडक्टर पड़ा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं हमें पता है, बट नेट आउटकम हमें क्या मिलती है? ज़ीरो मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी एंड सो ऑन अप टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो आपके पास, अगर हम इस सब का एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। क्या मिलता है? ज़ीरो। एवरेज हमें पता है कि सर नंबर ऑफ आउटकम्स, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास? ज़ीरो आ रहा है। इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि समेशन आई गोज 1 to n, ठीक है, 1/n, ये बाहर ले लिया हमने, ui इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? i का मतलब क्या है कि i की जगह पे आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, एंड सो ऑन अप टू n। n मतलब कि नेचुरल नंबर, कितने कितने भी हो सकते हैं, मिलियंस तक भी आप पहुंच सकते हो, और उनका सम कर दो, समेशन कर दो। समेशन मतलब कि सम कर दो उनका, और डिवाइड कर दो 1/n से, तो आपके आउटकम क्या आ रही है? ज़ीरो आ रही है, ठीक है। ये तो हो गई इनकी इनिशियल वेलोसिटी की बात। इनिशियल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अभी मैंने केस फर्स्ट पकड़ा है, जब तक हम एक फर्स्ट नॉर्मल एक कंडक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसी कंडक्टर को मैं बैटरी के साथ अटैच कर देती हूँ, ठीक है। अब ये रहा कंडक्टर, इस कंडक्टर को मैं बैटरी के साथ अटैच कर देती हूँ, तो ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो अब जैसे ही, अब ये हो गया आपके पास केस टू, कि जब हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है? कि हमने इस कंडक्टर को अटैच कर दिया बैटरी के साथ, तो यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ सारा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, कैसा मोशन दिखा रहे होंगे? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब नेगेटिव हैं, ये सारे के सारे कैसे आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। कैसे आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरह। अब काफ़ी बच्चों को लगता है कि जैसे ये पड़े होते हैं एकदम से खींच के ऐसे आ जाते हैं, इधर आने लग जाते हैं ऐसे,
बट अगर आप इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इनका मोशन ऐसा नहीं होता। इनका मोशन मैं आपको दिखाती हूँ जूम इन करके। तो इनका मोशन कुछ ऐसे रहता है कि अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ गए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन मान लो मैं ना इनका मोशन दिखाती हूँ, तो ये तीन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। अब हमें पता है आना तो इसने इधर ही है, लेकिन आते कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, यहाँ से टकराएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो जिगजैग पाथ बना रहे हैं, टकराते टकराते टकराते, लेकिन उनकी मूवमेंट हो भी इधर की तरफ रही है। जैसे कि दो टाइप की मूवमेंट हो रही है, एक तो वो लिनियरली इधर मूव कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे टकरा टकरा के, ऐसे ऐसे टकरा टकरा के, इधर इधर टकरा टकरा के, इधर उधर मोशन बना बना के, लेकिन उनकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो किस साइड हो रही है, वो इस साइड हो रही है। तो इस मोशन को जो हमने बोला कि जैसे पॉजिटिव लगाया, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कैसे आए हैं वो इस तरीके से आए हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए, तो ये हो गई आपके पास क्या, इसकी कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, लेट इट बी द फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, लेट इट बी द फाइनल वेलोसिटी v। बट द प्रॉब्लम इज मुझे ये v फाइंड करना है, ठीक है, बट मुझे ये v फाइंड करना है। ये v कैसे फाइंड करूंगी मैं? मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं? थ्री इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ी हुई है, नाइन्थ स्टैंडर्ड से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। थर्ड इज़ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैं किसकी हेल्प ले सकती हूँ? इधर फर्स्ट की और थर्ड की, है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी यू वी है, लेकिन सेकंड में वी नहीं है, थर्ड में भी यू वी है, ठीक है। अब मैं और इनके ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर एस, एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कितना पाथ ट्रैवल करके आ रहा है, तो यानी कि हम इसको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे, राइट। लेकिन हम इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं, हम ए भी फाइंड कर सकते हैं और हम टी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं टी की बात बताती हूँ आपको। टी का मतलब क्या होता है? टी हम मानेंगे रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ से वापस यहाँ पे टकराने से पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, टी, यानी कि जब वो टकरा नहीं रहा था, कोलाइड नहीं कर रहा था, सिर्फ अपने पाथ पर चल रहा था, तो उस वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं? उसका रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन पीरियड, कि जब उसने टकराया नहीं, टकराने के बाद का और दूसरे से टकराने से पहले का, यहाँ तक का जो टाइम है, जो ट्रैवल का जो टाइम है, उसे हम बोलेंगे उसका रिलैक्सेशन पीरियड या रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से उसका वो हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जितने भी उसने वो ट्रैवल करके गया होगा, ठीक है। तो ये टी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या बचा आपके पास? ए का प्रॉब्लम, है ना, तभी हम v निकाल पाएंगे। u है हमारे पास, t हमने मान लिया कि रिलैक्सेशन टाइम होता है, a का प्रॉब्लम है। अब a हम कैसे फाइंड करें? तो a मतलब कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ अरेंज कर दिया था, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई थी। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर मूव करने लग गए हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई फोर्स आ गया है, है ना, फोर्स आ गया है, तो उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी वो इधर की तरफ आ रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की है हमने, यहाँ चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन्स का है, तो एफ इक्वल्स टू माइनस ई हो सकता है, राइट। ऑल्सो हमें फोर्स का कनेक्शन पता है एक्सेलरेशन के साथ, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, राइट। तो एफ कितना है? माइनस ई, ई इज इक्वल टू एम ए, एम नीचे आ जाएगा। तो ये हो गई आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि कितनी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है। तो अब ए भी आ गया आपके पास, ठीक है, अब टी भी है, वी हमें निकालना है, यू भी है, तो चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब मैं इसको क्या करने वाली हूँ, मैं इसको आई लगाऊंगी यहाँ पर। आई का मतलब क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी थी, आई मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की, आई गोज वन टू एन की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आई लगा दूंगी। आई लगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि इनकी क्या है, हर एक की एक्सेलरेशन सेम ही तो है, तो इसलिए हम इसको ए ही रहने देंगे, ए के साथ आई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये हो गया टी आई, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन पीरियड डिफरेंट होगा, राइट। अच्छा, तो वी आई हमें निकालना है। यू आई, यू आई हमने अभी अभी देखा क्या है, वन बाय एन इक्वल्स टू जीरो, एन उधर चला जाएगा, यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या थी, जीरो। तो ये हो गई जीरो। अब ए, ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, माइनस ई बाय एम, ठीक है। और टी आई, टी आई का मतलब क्या हुआ आपके पास, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन डिवाइड बाई एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि टोटल, टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर टाउ लगा देंगे, ये हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। सो टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड। सो इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भाग रहे हैं अंडर सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है बैटरी अप्लाई करने से। तो कितनी फाइनल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, अब भागने के वर्डिंग में यूज कर रही हूं, तो यानी कि हम इसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका हमने फॉर्मूला निकाला है। सो दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी, वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आते हैं, कितना भागते हैं, वो इतना भागते हैं, ठीक है। यहाँ से एक अच्छा सा, बहुत अच्छा मैं आपको कंक्लूजन देना चाहती हूँ, ठीक है। देखो, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों भाग रहे हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं भाग रहे, है ना। तो वैसे तो सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि प्रोटॉन्स का मतलब होल्स हम कह देते हैं, कि एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे खाली स्पेस बच जाता है, तो हम कह देते हैं इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। ये बहुत हल्का है, ये बहुत भारी है, तो हम सिंपल सी बात हम ये भी कह सकते हैं, ये हल्का है इसलिए अच्छे से मूव कर जाता है, ये भारी है इसलिए अच्छे से मूव नहीं कर पाता। इस चीज़ को आप यहाँ से भी देख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मास ऑफ होल ज़्यादा होता है इसलिए उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन्स ही भागेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, या डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमने भगाए, है ना, इलेक्ट्रॉन के भागने से ही क्या आता है, करंट बनता है। तो अब हम बात करेंगे करंट की, कि करंट का क्या रिलेशन है, ठीक है, कि करंट को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। तो एक बार वही सिनेरियो दोबारा से लिखते हैं कि हाँ, वही एक आपके पास एक कंडक्टर है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब इधर की तरफ, उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं, अब फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ करंट क्रिएट होगा, तो हम अभी करंट निकालना है। तो करंट का रिलेशन निकालना है हमें एक तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करंट, करंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्यू इक्वल आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वे क्यू इज चार्ज, ठीक है, चार्ज इन द कंडक्टर। तो अब यहाँ पे मैं चार्ज की बात करूँ तो चार्ज क्या होता है, एन ई, ठीक है, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने माने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही चार्ज क्रिएट हो रहा है, उतना ही आपके पास करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने से वॉल्यूम के अंदर। तो मैं इस n को ऐसे लिख सकती हूँ,
स्मॉल एन इंटू वी, वेयर वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी इज द टोटल वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 मीटर क्यूब में, छोटे से पोर्शन में 1 मीटर क्यूब में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि वन बुक का कोस्ट जो है वो कितना है 200, ठीक है, कोस्ट रहने देते हैं, मान लेते हैं कि वन बुक जो है वो 1 मीटर क्यूब के अंदर मान लो 5 बुक्स आती हैं, एन मतलब कि 5 बुक्स आती हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर, 100 मीटर क्यूब में कितनी बुक्स आएंगी, है ना, 1 मीटर क्यूब में 5 बुक्स आ रही हैं तो 100 मीटर क्यूब में कितनी आएंगी, 100 × 5, 500, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो यहीं पर 1 मीटर क्यूब में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल एन, तो कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आप इसको एक सिलेंडर कंसीडर करते हो तो यही होता है ना कि एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, लेट द लेंथ बी एक्स, तो वॉल्यूम हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ इज एक्स। अब ये हो गया लेंथ, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से भाग रहे हैं, इन टाइम टी, इन टाइम टी, तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स ट्रैवल कर रहे हैं इन टाइम टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वी डी इंटू टी, तो वॉल्यूम कितना आ गया, एरिया इंटू एक्स के लिए क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एन इक्वल्स टू स्मॉल एन, और वॉल्यूम की जगह पे हमने निकाल लिया एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेलोसिटी, ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस गिवन वॉल्यूम। अब ये हम यहाँ पे पुट कर दें, चार्ज निकाल लें, तो क्यू कितना आ जाएगा आपके पास, एन ई ए बी डी टी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब क्यू आ चुका है, क्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, तो एन ई ए v d t डिवाइड में t, t से t कैंसिल, दैट इंप्लाइज i किसके इक्वल आ गया, n e a v d, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन दिस पेज। और कभी सपने में भी आऊँ पूछूँ भाई करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे भी आपको याद होना चाहिए i इक्वल्स टू n e a v d t VD, तो आपको एक गाने की तरह, एक राइम की तरह याद होना चाहिए I equals to N E A V D, ठीक है। Where N is the number of electrons per unit volume, Q E is the charge on the electrons, A is the area, cross sectional area of the conductor and VD is the drift velocity of the electrons, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि what is the relation between current and drift velocity, तो इसी से ही अब हम आगे और relations निकालते हैं। तो अब निकालते हैं हम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज दिस इज जे आई बाय ए, ठीक है, कि कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया में, है ना, यही होता है, तो जे इक्वल्स टू आई बाय ए, तो आई हमने कितना निकाला है अभी अभी, एन ई ए बी डी बाय ए, ए से ए कैंसिल, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एन ई वी डी, ठीक है। अब वी डी का भी फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला इस पर भी हमने स्टार लगा रखा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू एन ई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई ई बाय एम इंटू टाउ, तो ये हो गया आपके पास माइनस एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, करंट डेंसिटी का। तो अगर यहाँ पर तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन भी बता रहे हैं, लेकिन इफ़ वी ओनली टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, तो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे,
तो करंट डेंसिटी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ. तो ये हो गई आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला. ऑल्सो इसके ऊपर भी हम स्टार लगा देंगे, ठीक है. अगर इसी फॉर्मूले से हमें और खेलना हो तो हमने फर्स्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था करंट डेंसिटी का और किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी का, है ना. ये रिलेशन हमने पढ़ा था. क्या था वो रिलेशन? हमने पढ़ा था J इक्वल्स टू सिग्मा E, वेयर J इज करंट डेंसिटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या हो जाएगा, J बाय E, ये आ जाएगी आपके पास कंडक्टिविटी. दिस इज एन ई स्क्वायर ई बाय एम इंटू टाउ बाय ई इक्वल्स टू सिग्मा. ई से ई कैंसिल, क्या बच गया, एन ई स्क्वायर बाय एम इंटू टाउ इक्वल्स टू द कंडक्टिविटी. तो ये हो गई आपके पास कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला, हमने यहीं से निकाला. तो हमने सबसे पहले निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फिर करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला. क्लियर है ये बात? यहाँ से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक चीज़ है आपके पास, अनदर थिंग इज मोबिलिटी. दिस इज अ वेरी क्यूट एंड स्मॉल सा टॉपिक, मोबिलिटी. एज नेम इंडिकेट्स, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है. मूवमेंट कोई भी, जैसे मोबाइल, मोबाइल का जो नाम निकला था वो क्यों निकला था, हमें आज तक कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम शुरू शुरू में अपने जो मोबाइल फोन्स हैं या सेल फोन्स हैं उनको हम मोबाइल कहते थे, है ना. तो क्यों कहते हैं मोबाइल, क्योंकि आप उसको लेकर कहीं भी घूम फिर सकते हो, लैंडलाइन को लेकर नहीं घूम सकते, है ना. तो मोबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी चीज़ पे मूव करती है, जो मूवेबल होती है. यहाँ कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, है ना. तो मोबिलिटी यानी कि कितनी मूवमेंट है वो कौन बताएगी, उसकी वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वो कैसे आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे आई थी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे आई थी, बाय अप्लाइंग बैटरी. बैटरी ने क्या अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी थी. तो कितनी वेलोसिटी क्रिएट हुई अंडर सम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंस इट्स मोबिलिटी. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने सबसे पहले फॉर्मूला क्या निकाला था, दिस इज ई ई, यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने नेगेटिव साइन नहीं पुट किया, डिवाइड में एम इंटू टाउ. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे अगर ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई बाय एम इंटू टाउ. एंड ई बाय एम जो होता है दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं. तो ये हो जाएगा ई बाय एम इंटू टाउ, दिस इज कॉल्ड द मोबिलिटी. तो अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ रही है, मोबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शंस टू मास. तो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है इसीलिए वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो जल्दी मूवमेंट करते हैं. थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे फटाफट से भाग के जाएंगे, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली अगर ऐसे हम होल्स की बात करेंगे, उनका जो मास होता है वो ज़्यादा होने की वजह से उनकी मोबिलिटी कम होती है. तो इस फॉर्मूले से आपको ये भी पता चल रहा है. तो ये हो गई आपके पास मोबिलिटी, राइट. अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल जो आपकी बुक के अंदर आपको मेंशन है. तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल फर्स्ट. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस carrying a current 1.5 ampere, assume that each copper atom contributes roughly one conduction electron. The density of the copper is this, its atomic mass is this. ठीक है, compare the drift, इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ तक इसको solve करते हैं. तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है, estimate the average drift speed. तो हमें average drift speed या velocity हमें निकालनी है, ठीक है. तो drift velocity का formula हमने पढ़ा था, ई ई बाय एम इंटू टाउ, राइट, ये पढ़ा था हमने, ओके. अब इन्होंने क्या बोला है कि इन अ कॉपर वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एक कॉपर वायर
जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे रखा है, ए दे रखा है 1.0 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर, और उसमें से करंट जो है वो कितना जा रहा है, वो करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर का, ठीक है। और हमें क्या बोला है, एज्यूम दैट ईच कॉपर कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली द डेंसिटी, जो है उसकी डेंसिटी ऑफ कॉपर हमें दे रखी है 9 × 10³ के जी पर मीटर क्यूब दे रखी है, और उसका एटॉमिक मास हमें दे रखा है 63.5 यूनिट, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ना ए है ना ई है, आई है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इनकी करंट की बात हो रही है यहाँ पर। तो करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, है ना, तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला था, ठीक है। हमें निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई अपॉन एन ई ए, ये बन जाएगा। तो करंट, करंट है आपके पास ई नेगेटिव, क्या होता है इनके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी हमें पता होता है, ए इज एरिया, वो भी है आपके पास। बचा एन, एन नहीं है आपके पास, एन क्या होता है, तो एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम हेल्प कर लेंगे डेंसिटी की, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है उसका एटॉमिक मास, हमें पता है इतना उसका एटॉमिक मास होता है, यानी कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हैव कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, उसका क्या होता है मॉलिक्यूल, उसका होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। तो एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻²³ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इतने हैं, तो एक ग्राम में कितने होंगे, एक ग्राम में हो जाएंगे 2×10⁻²³ डिवाइड में 63.5, एक ग्राम में इतने होंगे। अब हमें ये डेंसिटी दे रखी है पर यूनिट वॉल्यूम के साथ, है ना, तो यहाँ पे भी ग्राम की बात करें, यहाँ पे हम ग्राम करें, इसको भी ग्राम कर लेते हैं, तो 9 × 10⁻² ग्राम्स के लिए हो जाएगा, 6 ग्राम ऑफ कॉपर विल हैव कितने, तो 6.022 × 10⁻²³ 63.5 × 9 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 8.5 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर मीटर क्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। अब इतने आ चुके हैं आपके पास, इसी का ही हम वेट कर रहे थे, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा एन निकल के आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, VD इक्वल्स टू I की वैल्यू पुट कर दो 1.5, N की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 8.5 × 10⁻²⁸ एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज हमें पता होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, एरिया हमें ऑलरेडी दे रखा है 1 × 10⁻⁷। इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो आएगी 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये तो हो गया इसका पार्ट ए, ठीक है। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, अब करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विद द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालनी है, थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, वी टी क्या होती है, रूट के बी टी बाय एम, ठीक है। ये वैसे कुछ कांस्टेंट्स भी लगते हैं इस फॉर्मूला में, लेकिन अगर हम सिर्फ ऑर्डर देखें तो के बी टी बाय एम यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दैट इज एट 300 केल्विन एंड मास ऑफ कॉपर, इन सब की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो थर्मल स्पीड आपके पास आती है 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं वी टी बाय वी डी, ठीक है। तो 2 × 10⁻² नीचे वी डी कितना है 1.1 × 10⁻³ तो अगर हम इसके कांस्टेंट को छोड़ भी देते हैं, सिर्फ अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, ये होगा 10⁵। तो वी टी बाय वी डी ये कितना हो गया 10⁵। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसे करें तो हमें क्या मिल रहा है, वी टी इक्वल्स टू 10⁵ × वी डी, यानी कि जो थर्मल स्पीड है वो ड्रिफ्ट स्पीड से 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड इज स्मॉलर देन थर्मल स्पीड,
by 10 raised to power 5 times. तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थर्मल स्पीड इज मोर देन ड्रिफ्ट स्पीड by 10 raised to power 5 times, इतने times, ठीक है. तो हमने सिर्फ order देखा है, हम अभी ऐसे proper calculations हमने नहीं करी है, right? तो हमें एक order ही बताना था. तो ये तो हो गया इसका B part, का first part. अब second क्या कह रहा है, speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. यानी कि अब हमें कंपेयर करनी है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आपको पता ही होना चाहिए जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हम बैटरी किसी भी हम सर्किट में अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो उसी टाइम करंट आने लग जाता है. कितनी स्पीड से करंट आने लग जाता है, लाइट की स्पीड से करंट आने लग जाता है. और हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ट्रैवल कर रही होती है, एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है कितनी होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है. एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट, ये इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं वी सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमने किससे कंपेयर करना है, ड्रिफ्ट स्पीड से कंपेयर करना है. तो ये हो गया वी डी डिवाइड में 1.1 × 10⁻ कितना है -3. ठीक है, तो अगेन हम अगर ये ऑर्डर छोड़ देते हैं, ये नंबर छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ऑर्डर की बात करें तो -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 10^11. तो वी सी बाई वी डी हो गया 10^11 क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इम्प्लाइज वी सी इक्वल्स टू 10⁻¹ इंटू वी डी. तो इसकी स्टेटमेंट बताइए आप कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज मोर देन द ड्रिफ्ट स्पीड बाय हाउ मेनी टाइम्स, 10^11 टाइम्स. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन ड्रिफ्ट स्पीड बाय 10^11 टाइम्स, इतने टाइम्स से ज्यादा है. ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल 3.1. चलिए करते एग्जांपल 3.2. तो एग्जाम्पल 3.2 क्या कह रहा है, इन एक्सरसाइज 3.1, इन एग्जाम्पल 3.1 द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड फॉर करंट्स इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स. हाउ देन इज द करंट एस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंट अगर सर्किट इज क्लोज्ड. वो कह रहे हैं कि हमने जैसे अभी अभी देखा कि कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड का करंट आ रहा था, ठीक है, और कुछ एम्पियर्स के लिए, यानी कि थोड़ी सी हमने स्पीड आ रही थी थोड़े से एम्पियर्स के लिए. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई इतना जल्दी से जल्दी करंट आ जाए. तो जैसे कि हमने एक कंडक्टर लगाया, ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे इसको हमने बैटरी प्रोवाइड कर दी है, हमने यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हमने इसको. वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है ना जाने की, वो तो बहुत पर मिलीमीटर सेकंड से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड पे इतने मिली सेकंड्स चल पा रहा है, मिलीमीटर चल पा रहा है, थोड़ा सा मिलीमीटर चल पा रहा है, थोड़ा सा मिलीमीटर चल पा रहा है, और करंट भी बहुत कम आएगा इससे, तो ठीक है आ भी रहा है. बट ऐसे कैसे हो रहा है कि जैसे हमने ऑन करा, स्विच ऑन किया, करंट उसी टाइम आ जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है. तो आप खुद सोचिए ना, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि भाई पास में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बिल्कुल ही पास होंगे वो भी तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट. एक तो ये रीज़न है, और एक बहुत अच्छा एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ. क्या सिर्फ यही कंडक्टर है, ये वायर कंडक्टर नहीं है, ये वायर भी तो एक कंडक्टर है, एक मेटल की ही वायर है. जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज दिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी तो फटाफट से इधर आएंगे. तो ऐसे ही जैसे ही एकदम इंस्टेंट ही करंट आ जाएगा, और कितनी स्पीड से करंट आता है, एट द स्पीड ऑफ लाइट से करंट आता है. तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश थ्रू आउट द सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सर्किट में आती है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कॉजिंग इट एवरी पॉइंट एट द लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, यानी कि आसपास के जितने भी लोकल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी टाइम ड्रिफ्ट में आ जाते हैं, भागने लग जाते हैं.
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रेवलिंग टू द अनदर एंड, है ना, कि वो वेट नहीं कर रही है कि एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी मैं करंट दूंगी, ऐसा तो नहीं है. हाउएवर इट डज टेक अ लिटिल वाइल फॉर अ करंट टू रीच द स्टेडी वैल्यू. फिर भी उसको एक स्टेडी वैल्यू मतलब कि कॉन्स्टेंट वैल्यू में पहुंचने में टाइम जरूर लगता है. मान लो कि हमें एक सर्किट में 5 एम्पीयर का करंट चाहिए, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें मिलेगा 2 एम्पीयर, फिर 3, फिर 4, फिर 5 पे पहुंचेंगे हम, ठीक है. और वो भी धीरे बिल्कुल मिनिमम जो बिल्कुल ही मिली सेकेंड्स होते हैं उतने में ही हम पहुंच जाते हैं 5 एम्पीयर पे, ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे के पूरे एक कंडक्टर को कि पूरे के पूरे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का हम वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लोकल इलेक्ट्रॉन्स ये भी हो सकते हैं, लोकल इलेक्ट्रॉन्स ये वायर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, उसी टाइम वो ड्रिफ्ट में आ जाते हैं. तो ये था इसका फर्स्ट का आंसर. चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन. Why then do the electrons acquire a steady average drift speed? वो कह रहे हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके ऊपर फोर्स लगता है, है ना. फोर्स लगता है तो दैट मीन्स उनके अंदर एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को तो भागना चाहिए. बट अगर वो भाग रहे हैं तो हमें जो है स्पीड हमें कैसे मिलनी चाहिए, कम, ज़्यादा, 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 ऐसी हमें मिलनी चाहिए, एक्सेलरेटेड मिलनी चाहिए. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेडी एवरेज स्पीड देते हैं. स्टेडी का मतलब क्या होता है, हमें एक कांस्टेंट एवरेज स्पीड दे रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या है दिक्कत, क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को भागना चाहिए लेकिन वो नहीं भाग रहे हैं, ठीक है. और हमें एक स्टेडी वैल्यू दे रहे हैं, उनकी जो एवरेज जो आ रही है वो हमारे पास एवरेज कांस्टेंट स्पीड आ रही है. ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इनके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर की तरफ भाग रही हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो जाते हैं इससे टकराएंगे, फिर इससे टकराएंगे, फिर इधर टकराएंगे, फिर इधर टकराएंगे, फिर इधर टकराएंगे, टकरा टकरा के जा रहे, बेशक जा इधर ही रहे हैं, लेकिन अगर उनके पाथ को जूम इन किया जाए तो वो ऐसे ज़िगज़ैग सा पाथ टकराते टकराते जा रहे हैं. तो जैसे ही वो कोलाइड होते हैं जो उनको एनर्जी मिली होती है वो वहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर उनको मिलती है एनर्जी, एक्सेलरेट होते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर एनर्जी मिलती है फिर छोड़ देते हैं, टकराते ही वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, अपनी एक्सेलरेशन लूज़ कर देते हैं. तो एवरेज जो स्पीड आती है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, एवरेज सभी की जो इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे ही जब वो ज़िगज़ैग पाथ टकराते टकराते इधर की तरफ जा रहे होते हैं तो उनकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो क्या रहती है, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि बीच में वो टकरा रहे हैं, बीच में वो लूज़ भी कर रहे हैं, है ना. उनकी स्पीड इंक्रीज़ होती है लेकिन जैसे ही टकराएंगे कोलिजन होगी वो फिर से डिक्रीज़ हो जाती है. तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसके आंसर को लिखेंगे ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सेलरेट. हाँ जी, वो एक्सेलरेट होता है, इंक्रीज भी होती है उसकी स्पीड तब तक अनटिल इट कोलाइड्स विद द पॉजिटिव आयन ऑफ द मेटल. तो आसपास मेटल्स भी तो हैं, उसके पॉजिटिव आयन से भी तो टकराएंगे. जैसे वो टकराते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो लूज हो जाती है टकराने से, बट फिर से वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, है ना, फिर से उनकी इंक्रीज हो जाती है स्पीड और अगेन वो कोलिजन की वजह से, टकराने की वजह से वो फिर से लूज कर देते हैं एंड सो ऑन. ऐसे उनके पूरे पाथ पे टकराते हैं, लूज कर देते हैं, फिर गेन कर लेते हैं, फिर लूज कर लेते हैं स्पीड. तो जब हम उनकी एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देते हैं, एक एवरेज स्पीड देते हैं हमें, वो कोई पर्टिकुलर ड्रिफ्ट स्पीड नहीं देते हैं, ठीक है. तो हम लिखेंगे ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ओनली अ स्टेडी ड्रिफ्ट स्पीड. एक एवरेज ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड देते हैं, एकदम से ऐसे नहीं भागते 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 बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है. तो ये था इसका बी पार्ट. चलिए करते हैं सी. तो सी पार्ट क्या कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल.
हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन कंडक्टर, कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम है, हाँ जी मिलीमीटर पर सेकेंड्स में है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी बहुत कम होता है, हाँ जी 10^-19 कूलम का चार्ज होता है, देन हमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट कैसे मिल जाता है, हम जितना चाहते हैं उतने हमें करंट मिल जाता है, ऐसे कैसे होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। मैंने आपको 9th में एक चीज़ बताई थी, एक आइडिया दिया था, रफली आइडिया, कि एक एटम जो होता है उसका साइज़ कितना होता है, कि 1 सेंटीमीटर की अगर आप एक लाइन डालोगे ना, एक ऑन एन एवरेज एक एटम जो होता है उसमें 10 करोड़ एटम आ सकते हैं, ठीक है, एक मैंने रफली आइडिया दिया था। तो एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का साइज़ बताओ कितना होगा, कितना छोटा होगा, है ना, राइट। तो अगर इतने से पार्ट में मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियंस, मतलब कि अनकाउंटेबल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो अगर हम एक वायर लगाएंगे तो उसमें सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर भरता है, है ना, तो वही चीज़ है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट बहुत ज़्यादा होते हैं, एनॉर्मस, इतने ज़्यादा होते हैं जिनकी जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा आता है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें कैसे करंट ज़्यादा मिलता है, सिंपल, ये बहुत सिंपल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इज एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो क्या है, कितनी है, 10^29 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर ऑन एन एवरेज 10^29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि 10^29 का क्या मतलब हुआ, कितना ज़्यादा अमाउंट है ये, राइट। तो ये था इसका आंसर, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम अ लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। वो कह रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं एक मेटल में फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, भाई ना नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ ऐसे जा रहे होते हैं, डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, कि क्या इसका ये मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बताइए, नहीं ना। देखो जैसे मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाला पाथ, तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता होगा, राइट। तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं, बट जैसे अगर हम इनका ऑन एन एवरेज देखते हैं, जा तो सारे इधर ही रहे हैं, है ना, जा सारे इधर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम एक एक को देखें तो एक एक की अलग अलग डायरेक्शन होती है, बट उसी को ही हम कहते हैं ना, जैसे वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, 10 इधर आ रहे हैं तो 10 उधर जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इन सबका एवरेज देखते हैं अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना, सुपर पोजिशन का, तो सबका एडिशन, वैक्टर एडिशन, तो जब हम सबका हम वैक्टर एडिशन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे नो, कि जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नो मीन्स का मतलब क्या है, कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो सुपर पोस्ट ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो कि उनके जो लार्ज रैंडम वेलोसिटीज हैं उनको जब हम उनका एवरेज देखते हैं तो वो वेलोसिटी निकल रही है आपके पास, वो एवरेज स्पीड निकल रही है आपके पास, बट जब हम उनको अगर सेपरेट देखते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा। एक इंस्टेंट पर देखें तो एक ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से टकरा रहा होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते हैं। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजंस विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्ट्रेट लाइन होता है बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस क्या होता है, उनका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसको हम ऐसे कुछ विजुलाइज करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं दी है, नॉर्मल एक कंडक्टर है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कि वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी वो क्या करते हैं, वो घूम रहे होते हैं, रैंडमली घूम रहे होते हैं ना, तो पहले वो इधर जाता है टकराया, फिर इधर आया टकराया, फिर इधर चला गया, ठीक है, फिर किसी से टकराया, फिर इधर टकराया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है,
वो टकराने के लिए इधर जा रहा है, ठीक है, टकराने के लिए इधर जा रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो कुछ उसकी ये डायरेक्शन हो जाती है, ये डायरेक्शन ऐसे कर्व डायरेक्शन हो जाती है ऐसे, समझ रहे हैं, एक चीज को समझ पा रहे हैं कि इसको जाना तो सीधा था लेकिन खिंचाव यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे वो ऐसे खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, फिर ऐसे टकराएगा, उसको जाना अब यहाँ पे है, जाना यहाँ पे है टकराने के बाद, लेकिन क्या होता है, वो पॉजिटिव खींच रहा है, तो जिसकी वजह से वो ऐसे कर्व्ड होके, ऐसे ऐसे कर्व्ड होके ऐसे टकराएगा इधर, तो वो पोर्शन क्या आ जाता है, कर्व्ड आ जाता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही है, तो उसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है कोलिजन्स के बीच में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाथ होता है इन जनरल कर्व्ड होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.2। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।